ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, कम, ज्यादा, रोज या कभी कभी। आखिर हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि शराब से ही लीवर खराब होता है? भला शराब ऐसा क्या करती है जिससे लीवर को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है? नमस्कार, मैं लक्ष्मी, आप देख रहे हैं thehealthside.com। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह खराब लीवर के लक्षणों पर आप खास नजर रख सकते हैं, क्योंकि अगर लीवर खराब होने के शुरुआती लक्षण आपने पकड़ लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर शराब से लीवर को नुकसान हो चुका है तो क्या किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि शराब पीने से लीवर को किस तरह का नुकसान होता है। देखिए, शराब लीवर के द्वारा ही डाइजेस्ट होती है, इसलिए लगातार शराब पीने से लीवर पर बुरा असर पड़ता है। शुरुआत में लीवर पर सूजन आती है, इसे अल्कोहलिक लीवर हेपेटाइटिस कहा जाता है। ऐसा होने पर मरीज को शुरुआत में दर्द और पीलिया हो सकता है। लगातार शराब पीने से फैटी लीवर की समस्या हो जाती है, स्थिति बिगड़ने पर लीवर सिरोसिस की समस्या भी हो सकती है। इन शुरुआती लक्षणों पर आपको नजर रखनी चाहिए, जैसे कि भूख ना लगना, वजन कम होना, नींद ना आना और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे ये लक्षण पीलिया और पैरों में सूजन में बदल जाते हैं। साथ ही उल्टी या आपके स्टूल में खून आना और काले रंग का स्टूल पास होना। समस्या गंभीर होने पर मरीज के पेट में पानी भरने लगता है। ऐसा हुआ तो पानी निकालने की जरूरत पड़ती है, मरीज बेहोश भी होने लगता है। ये सभी लक्षण लीवर सिरोसिस होने पर दिखाई देते हैं। अब जान लेते हैं कि कितनी मात्रा में शराब नुकसान नहीं करती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीवर के लिए जरा सी शराब पीना भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर मरीज का शरीर अलग अलग तरह से काम करता है, किसी को भी थोड़ी सी शराब से भी नुकसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा शराब पीते हैं पर उनका लीवर जल्दी खराब नहीं होता। शराब थोड़ी हो या ज्यादा, वो लीवर को नुकसान करती ही है। साथ ही शराब पीने से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का लीवर जल्दी खराब होता है, इसलिए शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इसका इलाज क्या है? तो जब भी लीवर से जुड़ी तकलीफ के लक्षण दिखें तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। शराब छोड़ने के लिए रिहैब का सहारा लें। कुछ दवाइयां भी मौजूद हैं जो शराब छोड़ने में मदद करती हैं। अगर बीमारी गंभीर हो गई है तो तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से इसका इलाज कराएं। जिन मरीजों को लीवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है उनमें लीवर खराब होने लगता है। इसका पता पीलिया, पैरों पर सूजन, बेहोशी, उल्टी या फिर स्टूल में खून आने से लगाया जा सकता है। लीवर सिरोसिस का इलाज लीवर ट्रांसप्लांट से भी मुमकिन है। ट्रांसप्लांट में मरीज के खराब लीवर को निकालकर अच्छे लीवर का एक हिस्सा लगाया जाता है। मरीज का कोई परिजन ही लीवर डोनेट कर सकता है या किसी ब्रेन डेड व्यक्ति से लीवर लिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़े इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।